सब से बड़ा जो समझो तो काम यही है, यही है इंसान होने की पहली पहचान यही है, यही है जिसने पाया हो जीवन में शिक्षा का धन। अनपढ़ से धन ये है बांटने का गरीब जतन, एक कराए दूजे को भी अक्षर की पहचान। जीवन की मुश्किल राहों को कर दे ये आसान। ज्ञान दान, ज्ञान दान। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गांव का एक वासी तौलाराम अजीत पाल को एक जहरीली जड़ी बूटी खाने से रोकता है। अजीत पाल को पता चलता है कि वो अपने छोटे भाई की अकाल मृत्यु के बाद निरक्षर तौलाराम जड़ी बूटियों से कुछ दवाएं बनाने लगा था। अजीत उसे कहता है कि अगर वो पढ़ लिख जाए तो उसके दादाजी की तरह वो कई किताबें पढ़कर दवा बनाने के इस काम को आगे बढ़ा सकता है। पढ़ा लिखा बनने के लिए तौलाराम भी साक्षरता कार्यक्रम में शामिल हो जाता है। इधर स्वामी अमृतानंद अपने मुख्य आश्रम में हो रहे एक महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सुनंदा को राजी कर लेते हैं। स्वामी जी सुनंदा की कार से ही मुख्य आश्रम रवाना होते हैं, लेकिन मंडेसर के पास ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। शब्दों व अंकों को पढ़ने के शौक में हेमू उस गाड़ी का नंबर पढ़ लेता है। हेमू से मयंक को जब गाड़ी का नंबर और उसमें बैठे व्यक्ति का हुलिया पता चलता है तो वो स्वामी अमृतानंद की चाल को समझने लगता है और गांव वालों के साथ मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ता है। अब आगे क्या गड़बड़ है, समझ में आया? नहीं महाराज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर अब क्या करना होगा? अब तो इसे मिस्त्री को ही दिखाना पड़ेगा। हे भगवान, हमारी मदद। वो स्वामी के बच्चे कहाँ जा रहे तू मेरी गाड़ी लेके? शांत बच्चा शांत, क्रोध नहीं करते, मेरी बात सुनो। वो स्वामी के बच्चे क्या कहना चाहता है तू? क्या क्या हो रहा है ये सब? पयंक तुम यहाँ? माँ तुम इस पाखंडी के साथ कहाँ जा रही थी? मैं तो स्वामी जी के साथ इनके आश्रम जा रही थी बेटा, वहाँ महायज्ञ होने वाला है, इनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं अपनी गाड़ी ले आई। अभी पूछते हैं स्वामी के बच्चे से कि कौन से महायज्ञ में शामिल होने जा रहा था। नितिन एक काम करते हैं, इसे गांव ले चलते हैं, जब वहाँ इसकी अच्छी खातिरदारी होगी ना तभी ये बताएगा कि कौन से महायज्ञ में शामिल होने जा रहा था ये। ठीक है मयंक। खबरदार, जो कोई भी आगे बढ़ा तो। आपके हाथ में पिस्तौल? देख लिया माँ अपने स्वामी का असली रूप? हाँ, और इस असली रूप का चमत्कार देखना चाहते हो ना तो वही करो जो मैं कहता हूँ, समझे? स्वामी जी हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो नादान हैं, हमसे भूल हो गई। स्वामी जी आप जैसा चाहेंगे वैसा वैसा नहीं हो। स्वामी के बच्चे बता बता इन लोगों को क्या है तेरी असलियत? बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैं स्वामी के भेष में ठगों के गिरोह का एक सदस्य, हम लोगों की धार्मिक आस्था और विश्वास का फायदा उठाकर उन लोगों को ठगते हैं और हम अपनी बातों का जाल ऐसा फैलाते हैं कि वो हमारी हर बात मानने लगते हैं, फिर मौका देखकर हम अपना काम करके निकल जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि इस पगंडी को घर में मत आने दो। और तुम सुनंदा जी को लेकर कहाँ जा रहे थे? मैं इसे महायज्ञ के बहाने अपने आश्रम ले जाता और इसे वहाँ बंद कर देता, इसे मजबूर करता कि ये सारी दौलत मेरे नाम कर दे। अगर ये दौलत मेरे नाम नहीं करती तो इसे यातनाएं दी जाती और इसके बेटे के मारने की धमकी दी जाती। हो सकता है कि शायद हम इसे मार देते। दुष्ट पाखंडी, तू मेरे बेटे की जान लेगा? अगर मुझे मालूम होता कि तू स्वामी के भेष में दरिंदा है तो मैं तेरे साथ कभी नहीं आती। हाँ तो स्वामी जी,
आपने अपने बारे में हमें जो कुछ अभी बताया है, क्या उसको एक बार फिर दोहराने का कष्ट करेंगे आप? क्यों चाचा, आपको एक बार सुनकर समझ नहीं आया क्या? अरे मेरी तो समझ में आ गई भैया, पर पुलिस वालों की भी तो समझ में आनी चाहिए। अब तो स्वामी जी को थानेदार साहब के सामने अपनी पूरी बात एक बार फिर दोहरानी पड़ेगी। लल्लू के कहने पर हम यहाँ पहुँच तो गए, पर मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। मैं बताता हूँ मैम, ये स्वामी मेरी माँ को इसी रास्ते से ले जा रहा था कि अचानक गाड़ी खराब हो गई। उधर हेमू और उसके साथी जिन्होंने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है, वो अक्सर इस रास्ते जाती हुई गाड़ियों और बसों के नंबर पढ़ते रहते हैं। इसी खेल में हेमू यहाँ सड़क पर आ पहुंचा तो उसने इस रुकी हुई गाड़ी को देखा और इसका नंबर अपने दोस्तों को बतलाने के लिए याद कर लिया। हाँ बहन जी, जब मैं वापस गांव आ रहा था तो हीरा, लल्लू, मयंक भैया के साथ खेल रहे थे। मैंने गाड़ी का नंबर याद करके मयंक भैया को बताया तो मयंक भैया एकदम चौंक गए, कहने लगे ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। जैसे ही हेमू ने हमें स्वामी जी की पहचान बताई तो आशंकाओं में घिरे मैं और नितिन फौरन गांव वालों के साथ इस तरफ चल पड़े। अगर ये स्वामी का बच्चा मुझे अपनी गाड़ी से लेकर के आता तो मेरा तो पता नहीं क्या हश्र होता। ये भी तो सोचिए सुनंदा जी, अगर हेमू को पढ़ना लिखना ना आता तब क्या होता। ये तो आपने ठीक कहा, मैं आप सबके साथ चलकर आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बहन जी, लेकिन आज आप हमारी मेहमान हैं। आप इन बहन जी के साथ चलिए, मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं रघुवीर जी? ओहो मैं इन स्वामी जी को जरा थानेदार साहब के हवाले कर रहा हूँ। चलो चल, मैं पिस्तौल भी दे यहाँ चल। क्या हुआ मैडम, ये सब लोग? ये है मयंक की माँ सुनंदा जी। आपको पता है मिसेस खत्री जी? आज हेमू की बदौलत सुनंदा जी एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। हादसा? मैडम ठीक कह रही हैं। अगर हेमू पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो मेरी गाड़ी का नंबर नहीं पढ़ पाता, और अगर वो गाड़ी का नंबर नहीं पढ़ पाता तो आप सब मेरी मदद नहीं कर पाते। इस तरह से हम पढ़ लिख कर अपना काम तो संवारते ही हैं, साथ में दूसरे की मदद भी करते हैं। यानी कि इंसान पढ़ लिख कर समाज और देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। यही बात समझाने हमने यहाँ ज्ञानदान कार्यक्रम शुरू किया है ताकि निरक्षर साक्षर बने, जीवन में प्रगति पथ को पहचाने। ऐसे प्रौढ़ लोग जो बचपन में स्कूल ना जा सके, पढ़ लिख ना सके, वो अब पढ़े और अपना शेष जीवन एक विचारशील, प्रगतिशील और एक समझदार इंसान की तरह बिताए। इस बात को अब हम अच्छी तरह समझ गए हैं बहन जी। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो कमी आपके जीवन में रह गई है वो आपके बच्चों के जीवन में ना रहे। आपको उन्हें जरूर पढ़ाना लिखाना चाहिए। हाँ अब तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और स्कूल भेजेंगे। तो क्या अब तक आप लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे? वो बात कुछ ऐसी ही थी बहन जी। अच्छा तो आप लोग के गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल मंडेसर में नहीं है, पर यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर हरिपुर गांव है, वहाँ एक प्राथमिक पाठशाला है। तो स्कूल दूर होने की वजह से ये बच्चों को वहाँ नहीं भेजते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है सुनंदा जी, दरअसल ग्रामीण इलाकों में अक्सर ऐसा होता है, 2-3 गांव के पीछे एक स्कूल होता है। पर बात दरअसल दूरी की नहीं थी, इनकी सोच की थी। इनकी सोच का मतलब? इनकी सोच सीमित थी, इसीलिए तो अपने घर और गांव के अलावा इन्हें कुछ नजर ही नहीं आता था। तभी तो पढ़ाई लिखाई का इनकी नजरों में कोई महत्व ही नहीं था। ये सोचते थे कि अगर लड़का स्कूल जाएगा तो भैंसे कौन चराएगा, खेतों में पानी कौन देगा, और अगर लड़की स्कूल जाएगी तो घर में चूल्हा कौन जलाएगा, भैंसों को चारा कौन डालेगा। क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आप ठीक कहती हैं बहन जी, अब हमारी समझ में आ गया है, अब हमारी सोच बदल गई है। जिंदगी में जो भी काम करना है लेकिन सबसे पहले पढ़ना है।
हाँ, पढ़ लिख कर ही हम अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, समझदारी के साथ कर सकते हैं और तरक्की के साथ कर सकते हैं। आप सबकी बदली हुई सोच को देखकर मेरे मन में आप सबके लिए कुछ करने की इच्छा जागृत हुई है। अगर आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो मैं अपने खर्चे पर आपके गांव में एक प्राथमिक पाठशाला खुलवाने का वचन देती हूँ। बहन जी, हम गांव वाले आपके बहुत आभारी हैं। शायद आपकी पहल से सरकार की नजर भी हम पर पड़ जाए और हमारे गांव में 10वीं जमात तक स्कूल खुल जाए। माँ, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ जी, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, वहाँ गांव के बाहर खड़ी है। अच्छा ग्रामवासियों, अब मैं चलना चाहूंगी, मुझे आज्ञा दीजिए। आप कैसे जाएंगे सुनंदा जी? मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी। अच्छा, ऐसा है कि हम अपने कार्यक्रम के आखिरी दिन एक छोटा सा समारोह करने जा रहे हैं। हमें खुशी होगी कि अगर आप उसमें शामिल हों। जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उस दिन आऊँ, आपके समारोह में शामिल हों और आप सबकी हौसला अफजाई करूँ। नीलम बेटी, आ बैठ बेटी। एक बात है बेटी, जब तुम स्कूल के बालक हमारे घरों में आते हो ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों जैसा ही कोई हमारे घर में आया है। सच कहती हूँ बेटी, तुम बच्चों ने तो हमारे गांव में रौनक ला दी, रौनक। गांव में ही नहीं ताई, साक्षर और शिक्षित हो जाने के बाद तुम अपने जीवन में भी रौनक ले आओ, यही तो हम बच्चे चाहते हैं। हाँ बेटी, ले बेटी ये लड्डू खा। क्यों ताई, अभी तक अपने बेटे की शादी के लड्डू बांट रही हो? मेरे बेटे की शादी का तुझे कैसे पता? क्या ताई, तुमने खुद ही तो बताया था। अरे बेटी, मैं तो भूल ही गई, ले खा ना और बता कैसे बने हैं। वाह ताई, लड्डू तो बड़े मजे के हैं। अरे बस, मैं तो यही चाहती थी बेटी। क्या चाहती थी तुम ताई? यही कि कोई खाकर बताए कि ये लड्डू कैसे बने हैं। पर क्यों ताई? बिटिया, बेटे की शादी में मेहरुद्दीन हलवाई से लड्डू बनवाए थे, पर जरा भी स्वाद ना था खाने का। इस बार मैंने मेहरुद्दीन भाई को कह दी कि भाई लड्डू अच्छे बनाएगा तो तेरे से लड्डू बनवाऊंगी। अब की बार? क्या मतलब ताई, क्या बेटे की दोबारा शादी कर रही हो? अरे बेटी, क्या बोलती है तू। अरे शादी तो हो गई तो क्या पोता ना होगा मेरा? अरे उसी की खुशी में लड्डू बनवाऊंगी। क्या बात करती हो ताई, शादी के बाद इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए बच्चे की। अरे बेटी, मुझ बूढ़ी का क्या भरोसा, कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। अरे कम से कम पोते का मुंह तो देख लूं एक बार। शादी के बाद पति पत्नी पर नई जिम्मेवारियां आन पड़ती हैं, इसीलिए ये सोच ठीक नहीं है। नमस्ते बहन जी, ठीक ठाक? उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों हिसाब से नए एहसास होते हैं और इस नए माहौल में रचने बसने के लिए उनको कुछ समय तो चाहिए होता है, इसीलिए बच्चे की जल्दी नहीं करनी चाहिए। देखा इसे, अपने मतलब की बात सुनने के लिए कैसे फटाफट यहाँ आ गया। हाँ भैया, पहले तुम और भाभी संतान की पैदाइश और परवरिश की जिम्मेवारी संभालने लायक बन जाओ,
तभी बच्चे का सोचना, और डॉक्टर जी से पूछोगे तो वो भी यही सलाह देंगे। ये तो कोई बात ना हुई। क्यों ना हुई ताई, मैं तुम्हें तुम्हारे ही गांव की मिसाल देकर समझाती हूँ। तू तो हमारे सारे गांव को जाने हैं बेटी। हाँ ताई, हम अपनी बात कहते हैं और गांव वालों की बात सुनते हैं, और फिर तुम तो सब अपने ही हो, फिर भला तुम्हारे बारे में क्यों ना जानेंगे। अच्छा तू किसकी मिसाल दे रही थी बेटी? वो गांव की बिश्नी चाची है ना। हाँ वो भूषण की अम्मा। हाँ हाँ वही जानू। हाँ और वो भी तुम्हारी तरह जल्दी जल्दी दादी बनना चाहती थी, पर उसकी बहू सयानी थी। उसने बिश्नी चाची को समझाया कि पहले बच्चे की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, और थोड़े दिनों बाद ही भूषण भैया की नौकरी छूट गई और उनके घर में तंगी आ गई। हाँ खबर तो मुझे भी थी। हाँ और उस तंगी में उसी सयानी बहू ने मोर्चा संभाला। उसने मेहनत मजदूरी की, किसी के घर का अनाज साफ करती, कभी पापड़ कभी बढ़िया ये सब बनाकर बेचती थी। हाँ मेहनत तो बहुत करे थी बेचारी, पर भूषण को भी अब दूसरी नौकरी मिल गई है। हाँ ताई, पर अगर वो शादी के एकदम बाद माँ बन जाती तो क्या ये सब जिम्मेवारियाँ संभाल सकती थी, और फिर घर का खर्चे के लिए मेहनत करती या बच्चे को पालती? और ऐसी हालत में बच्चे की क्या परवरिश होती, ये तो आप सब खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। बिल्कुल ठीक कहती हो बहन जी। कहने का मतलब ये है ताई कि जीवन की ऊंच नीच का कुछ पता नहीं चलता। पति पत्नी को घर परिवार की समृद्धि की बुनियाद पहले रख लेनी चाहिए, फिर ही बच्चे का सोचना चाहिए। पर हमारे घर में तो भगवान की दया से सब ठीक है बेटी। फिर भी ताई, पहले बच्चे की पैदाइश में देरी से कोई नुकसान नहीं है। अरे बिटिया, बच्चे तो भगवान का रूप हो गए हैं, अरे इसमें इंसान क्या कर सकता है। ताई ये सोच बहुत पुरानी है, असल बात तो ये है कि बच्चे की पैदाइश इंसान के अपने हाथ में होती है। हाँ बहन जी, हमारे गांव की डॉक्टरनी जी भी यही कहती थी। बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारे गांव की डॉक्टरनी। आजकल तो परिवार नियोजन के कई साधन हैं जिन्हें अपनाकर आप पहले बच्चे में देरी रख सकते हो। तो फिर अब क्या किया जाए? करना क्या है, अपनी बहू को डॉक्टरनी जी के पास ले जाओ और उचित सलाह लो, वो भी आपको परिवार नियोजन के फायदे की ही बताएंगी। हाँ बहन जी, हमारी डॉक्टरनी साहिबा जो आती है ना, वो भी हमसे यही कह रही थी कि भाई पहले बच्चे में देरी रखो और दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का फर्क रखो। लो सुन लो इसकी बात। अरे बच्चे में क्या फर्क रखना है, जोड़ी तो मिलनी ही चाहिए ना। नहीं ताई, इस बारे में तो यही कहा जाता है कि पहला बच्चा जब स्कूल जाने लगे तभी दूसरा बच्चा पैदा होना चाहिए। तो इसका क्या फायदा? देखो ताई, जल्दी जल्दी बच्चे हो तो माँ की सेहत ठीक नहीं रहती, और बच्चे भी कमजोर और कम वजन के पैदा होते हैं। और फिर दो छोटे छोटे बच्चों की परवरिश करना कौन सा आसान काम है अम्मा। हाँ ये बात तो पल्ले पड़ी है बेटी। और ताई, फिर परिवार के सदस्य जब बढ़ते हैं तो घर का खर्चा भी बढ़ता है, और फिर अपनी आमदनी का ख्याल भी तो रखना पड़ता है। पहले के बाद दूसरे बच्चे का भार उठाने लायक हो जाओ तभी उसकी पैदाइश की सोचनी चाहिए। दूसरे के बाद तीसरे में भी फर्क रखना चाहिए ना। ना ताई, तीसरे की तो सोचना ही नहीं, इसीलिए तो कहा गया है पहले के बाद अभी नहीं और दो के बाद कभी नहीं। वो क्यों? अरे परिवार छोटा हो तो घर में सुख सुविधा तो होती है, और ये देश की तरक्की के लिए भी बहुत जरूरी है। देश की तरक्की के लिए? हमारा परिवार भी तो एक हमारे देश की तरह ही है। जैसे परिवार के सदस्य कम हो तो सबको जरूरतें सबकी पूरी होती है, वैसे ही देश की आबादी कम हो तो सबकी जरूरतें पूरी होंगी, जैसे शिक्षा की, मकान की, रोजगार की और पढ़ाई की। हाँ ये बात तो हुई। और ताई, देश की आबादी तभी कम होगी जब सब अपना परिवार छोटा रखेंगे, और जब आबादी कम होगी तो सबको सब कुछ मिलेगा, और सपनों का नगर सपनों में नहीं धरती पर बसेगा। बेटी तेरी दो बच्चों की बात तो मान ली मैंने, पर दोनों ही लड़कियां हो तो? क्यों ताई, क्या लड़कियां संतान नहीं होती? क्या वो जिगर का टुकड़ा नहीं होती?
होती है बेटी, वो भी अपना ही खून होती है, पर वंश चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। ताई, क्या लड़कियों से वंश नहीं चलता? भला वो कैसे? देखो ताई, बच्चे दो ही हो तो चाहे लड़कियां ही हो, आप उनकी अच्छी परवरिश करके उन्हें काबिल बना सकते हो। उनमें से कोई डॉक्टर बनेगी तो कोई वकील बनेगी या कोई बड़ी अफसर, फिर क्या आपको उन पर गर्व नहीं होगा? आप उनको अपने वंश की नहीं कहोगी क्या, और उनके बच्चों को अपने वंश में नहीं गिनोगी? ऐसी बेटियां तो सबके घर में पैदा होनी चाहिए। हाँ ताई, और वंश का गौरव बढ़ाना भी कोई कम बड़ी बात नहीं होती, और लड़कियां इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। हाँ बेटी, मुझे लगता है तू बिल्कुल सच कह रही है। अरे आखिर तू भी तो किसी की बेटी है ना। अब कहो ताई, क्या मैं किसी से कम हूँ? अरे नहीं बेटी, तू तो सबसे बढ़कर है। अरे बेटी, तूने मुझे ज्ञान देकर मुझे नई सोच की रोशनी जो दी है। हाँ ताई, पर कोशिश करना, ये रोशनी का दिया सदा ही जलता रहे। क्यों नहीं बेटी, इस रोशनी से हमारा ही घर रोशन नहीं होगा, बल्कि मैं दूसरों को भी समझाऊंगी ताकि उनका घर भी रोशन हो। सेठ दुर्गादास ने ना जाने अपना नया कारखाना शहर से कितनी दूर खोला है, कब से चल रहे हैं, अभी तक उनका बलियापुरी नहीं आया। ड्राइवर, डैशबोर्ड पर रखा हुआ उद्घाटन कार्ड जरा उठा कर देना, दोबारा देखो पता क्या है। और रखो इसे, इस पर तो केवल बलियापुर लिखा हुआ है, इसे राह चलते से पूछो कहीं हम गलत राह पर तो नहीं चल पड़े। अरे भाई ये पता तो बताना जरा। ड्राइवर तुम भी कितने अहमक हो, इसे कार्ड दिखा रहे हो, इन लोगों को पढ़ना लिखना आता है क्या? ये लोग तो बैलगाड़ी और साइकिल पर चलने वाले लोग हैं, इनसे सीधा पूछो बलियापुर का रास्ता कौन सा है। सेठ जी पेन दिखाना। ये लो, यहां से सीधा 2 मील आगे जाकर बाएं और कच्चे रास्ते पर चले जाना, थोड़ी देर बाद बलियापुर आ जाएगा। सेठ जी यूं आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो, अब हम गुंगे बहरे नहीं रहे, अब हम पढ़ लिख गए हैं, तभी तो आपको लिख कर बताया है। पर तुम स्कूल जाकर पढ़ लिख तो नहीं सकते। तो क्या स्कूल जाकर ही पढ़ाई लिखाई हो सकती है, वो भी इस उम्र में? उम्र की बात मत करो सेठ जी, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती। सच सच बताओ, तुमने ये पढ़ना लिखना कैसे सीखा? हमारे गाँव में शहर से एक स्कूल के कुछ बच्चे अपनी छुट्टियों में हमें पढ़ाने लिखाने आए हैं, ज्ञान दान दे रहे हैं वो में। उनकी मेहनत और हमारी लगन का नतीजा है कि हमारे गांव में सब लोग पढ़ लिख गए। ये तो बड़े अचंभे की बात है कि ऐसा महान कार्य स्कूल के बच्चे कर रहे हैं। गांव में चले जाइए, वहीं उनके टेंट लगे हुए हैं, कोई भी बता देगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। लेकिन आपको तो उद्घाटन में जाना है। कारखाने के उद्घाटन से जरूरी वहाँ जाना जहाँ एक नई जिंदगी का उद्घाटन हो रहा है, एक साक्षर होने जा रही नई जिंदगी का उद्घाटन। अच्छा तो मैं चलता हूँ। जयराम जी। चलो ड्राइवर। मैं सच कह रहा हूँ प्रिंसिपल मैडम, आप और आपके बच्चे एक नए आदर्श की स्थापना कर रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा में ऐसा अनूठा कार्यक्रम, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। बस सेठ जी, अचानक एक राह सूझी और उस पर चल पड़े। आपकी इस राह पर कितने ही लोग चल सकते हैं जो पढ़ने पढ़ाने की दिशा में बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपके तो इस प्रयत्न का प्रचार होना चाहिए।
सेठ जी, हम प्रचार में नहीं परिणाम में विश्वास करते हैं। आप गलत सोच रहे हैं मैडम, मैं किसी के व्यक्तिगत प्रचार की बात नहीं कर रहा, मैं तो इस सारे कार्यक्रम के प्रचार की बात कर रहा हूँ, ताकि इस कार्यक्रम से कई लोग प्रेरणा प्राप्त करें और साक्षरता अभियान में अपना अपना योगदान दें। सेठ जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, अगर और कई स्कूल वाले या लोग ऐसा करें तो ना जाने कितने ही निरक्षर साक्षर बन जाए। तो आप अपने इस कार्यक्रम का समापन कैसे कर रहे हैं? सेठ जी हम सोच रहे हैं इस बारे में एक समारोह बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने दिन तय कर लिया? अगले हफ्ता एक दिन कर लेंगे। तो अभी आप रुक जाइए, मैं इस इलाके के MLA साहब से बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस समारोह में वो भी आए, और अगर वो आ गए तो आपका ये ज्ञानदान कार्यक्रम खुद ही एक समाचार बन जाएगा। इस इलाके के MLA जो हैं, वो खुद भी अध्यापक रह चुके हैं ना? जी हाँ, और वो साक्षरता की दिशा में बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि उन्हें इस समारोह में अवश्य बुलाना चाहिए। तो बस सेठ जी, आप उन्हें बुलाने का प्रयत्न कीजिए। जरूर, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। सेठ जी, आपने जो प्रयास किए, हमारी जो हौसला अफजाई की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, ये तो हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वो प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता के इस अभियान में अपना योगदान दे। वो पढ़ाए लिखाए या फिर कोई भी ऐसा कार्य इस अभियान की कामयाबी के लिए करे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। भाई कौन हो तुम? इस गांव का पहला मुखिया हूँ जी, नाम है गोविंद दास। तो क्या चाहते हो? अभी बताता हूँ जी।